मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे खुद के शहर जबलपुर में। घूमते घामते यही नागिन मॉल आता था इसी रोड पे, बट अब उस नागिन मॉल को साफ कर दिया गया, वो रोड बंद कर दी गई है, ये नई रोड बनाई गई है पूरे पहाड़ों को हटा दिया, पूरे पहाड़ को हटा दिया, बीच से रोड बनाई गई है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई होती थी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बाड़ी और यहां से अपने एक फ्रेंड को पिक करूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं किसी ढाबे पे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। पहले खाना खाते हैं और फिर आप लोगों को अपने फ्रेंड से भी मिलवाता हूं। ये हमारा लंच ब्रेक फ़िलहाल, भाई भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, ये आप देख सकते हो। ये है दाल तड़का, रोटी, फ्राई पापड़ और सलाद। इसको करते हैं जल्दी से फिनिश और मिलते हैं फिर आपसे हाईवे पे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मित्र से जो हमको हमारे इस ट्रिप में कंपनी देने वाले हैं। भाई ये हैं संजय, मुझे
इनके साथ इस पूरी ट्रिप में देखने वाले हो। ये था हमारे ट्रिप का सेकेंड टोल और यहाँ से जबलपुर तकरीबन 208 किलोमीटर दूरी पे है। ओ भाई साहब, मुझे तो नहीं पता इसमें कितने चक्के होते हैं इस ट्राले में, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये है हमारे ट्रिप का थर्ड टोल जो कि अभी चालू नहीं हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ है हमारा पहला टी ब्रेक, थकान लग रही थी तो इसलिए चाय पीने के लिए रुके हैं, जल्दी से चाय ख़त्म करते हैं और निकलते हैं अपने आगे की सफ़र की तरफ। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम चल रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, नरसिंहपुर तक तो रोड आपको सही मिलेगी लेकिन जब नरसिंहपुर शुरू होता है तो वहाँ पे आपको एक ख़राब पैच ज़रूर मिलेगा। कम्प्लीटली ख़राब नहीं है, थोड़ा बना है, थोड़ा बन रहा है, थोड़ा ख़राब है, इस तरीके से रोड चलती है। यह हमारा दूसरा टी ब्रेक है, ये मानिए आप यहाँ से जबलपुर होगा तकरीबन 2 से 2 घंटे के आसपास। और भाई साहब रात में आप देख सकते हैं स्वामीनार की हेडलाइट, मुझे तो कहीं से किसकी लाइट कम नहीं लगती है रात में, सफिशिएंट हो जाला है भाई। आज जल्दी है भाई, लोग बैठे हुए हैं और भाई साहब काम रात में भी चल रहा है, मतलब 24 आवर्स वर्किंग है ये समझ में आ। पूछ लो चाय मिलेगी कि नहीं। तो भाई साहब ये हमारा सेकंड चाय ब्रेक, यहाँ पे जल रही है आग तेरे काबिल नहीं। चलो ठीक है यार भाई, पहले तो आग तापो, चाय तो बनती रहेगी। वाह बड़ा अच्छा काम किया यार भैया। तो भाई साहब ये है हमारे ट्रिप का फोर्थ टोल प्लाज़ा, देख सकते हैं देखने से तो यही लग रहा है कि ये भी बंद है, तो मतलब अभी तक 2 टोल प्लाज़ा चालू मिले हैं और 2 बंद मिले हैं भोपाल से जबलपुर के बीच में। तो भाई साहब फिलहाल हम आ चुके हैं भेड़ाघाट के पास तेवर, जिसे पहले मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो कहा जाता था त्रिपुरी, यहाँ की एक त्रिपुर सुंदरी माता है वो बहुत फेमस है। तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं भेड़ाघाट चौराहा, मचान ये है यहाँ का बहुत फेमस होटल जसूजा या जवाली पैलेस भी कह सकते हैं आप इसे, जसूजा सिटी में जवाली पैलेस।
मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे खुद के शहर जबलपुर में। मैं अपना भी स्वागत करता हूँ मेरे शहर जबलपुर में। ये है मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस गेट, ये ऐसा दिखता है कुछ। आप जो मेरे राइट साइड पे रोड देख रहे हैं, ये मेडिकल चौराहा है, या इसको कहते हैं पिसनहारी की मढ़िया। वो ऊपर देख रहे हैं वो पिसनहारी की मढ़िया है, और जो राइट साइड में रोड है वो दुलारा घाट की तरफ जाती है। अब हम बढ़ रहे हैं गढ़ा की तरफ, और ठंड का सीज़न है और ठंड बहुत दबा के है, इस वजह से मार्केट क्लोज होने के लगभग क्लोज ही हो गया है। ये त्रिपुरी चौक है, किया मोटर्स का शोरूम, आज से 15 साल पहले भी महिंद्रा यहाँ था, आज भी है। ये जॉन डेरी का शोरूम, वो देखो काली माई, और उनके पीछे बजरंग बली है, वो देखेंगे नहीं। और ये यहाँ का सैल पर्ण उद्यान, रॉक गार्डन, देवताल, जो बोल रहे हैं आप, बहुत फेमस जगह है ये। जय बजरंग बली बाबा। यहाँ पे अखंड मानस यज्ञ चल रहा है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से। यहाँ का सुपाताल देख सकते हैं आप सब। और मदन महल से हम बढ़ रहे हैं, अभी आएगा दशमेश द्वार, उसके बाद आएगा महानद्दा। ये यहाँ का गुरुद्वारा है, यहाँ पे LIC का ऑफिस है, इस वजह से इस एरिया को LIC के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप सामने LIC का ऑफिस। अब हम आ गए हैं दशमेश द्वार के पास, और भाई साहब हाईवे पे तो बहुत तेज ठंड थी। ये आ गया यहाँ का फेमस राजस्थान मिष्ठान भंडार। ये शुभ मोटर्स, मारुति का शोरूम, होटल गुलजार। और ये चौराहा देख सकते हैं आप, शानदार चौराहा बनाया हुआ है भाई। और अब हम आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज पे। अब हम आ चुके हैं बहुत फेमस शास्त्री चौक पे। भाई साहब जो करिश्मा उठाई थी वो इसी शोरूम की थी, हीरो सुदर्शन मोटर्स। यह है भावरताल चौराहा, मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं, यह भावरताल गार्डन। अब हम आ चुके हैं रथल चौक पे। होटल समझड़िया इन, होटल मारुति और होटल ब्लू मून, ये दोनों आसपास ही हैं, बाहर भी हैं, रेस्टोरेंट भी है। इसके आगे पड़ेगा होटल रूपाली, ये देख सकते हैं आप। ये सामने इनकम टैक्स ऑफिस है, ये मुन्ना पान भंडार, बहुत फेमस पान भंडार है यहाँ का, इससे हम इनकम टैक्स चौराहा कहते हैं। इसका नाम भूल गया, पी तो कुछ नाम है, प्रेस्टीज प्रिंसेस। बहुत जब ओपन हुआ था तब बहुत वैल्यू रखता था ये होटल। अब हम आ चुके हैं नागराज चौक पे। और हम बढ़ रहे हैं सिविल लाइंस की तरफ। ये बजाज की डीलरशिप, फ्रंटियर बजाज। ये सिटी हॉस्पिटल, आपने न्यूज़ पढ़ा होगा मोखा जी, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में हिरासत में लिए गए थे, ये उन्हीं का होटल है।
ये अभी हम दूसरे पुल से गुजरे हैं, यहाँ पे चार पुल हैं। आलोक मिश्रा एंड एसोसिएट्स, यहाँ पे अंकित मिश्रा होटल अंकित है, वो आलोक मिश्रा के लड़के का ही है। ये होटल अंकित अभी रेनोवेशन हो रहा है। अब हम सिविल लाइन एरिए में हैं फिलहाल जबलपुर के। ये होटल लवली देख सकते हैं आप, अच्छा होटल है, रूम स्पेशियस हैं, साफ़ सुथरे हैं। 1500 से 2000 के बीच आपको मिल जाएगा एसी रूम्स में। ये देखते हैं जबलपुर रेलवे जंक्शन, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। हम फिलहाल 9:35 पे आ चुके हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन। तकरीबन 315 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आ चुका हूँ जबलपुर रेलवे स्टेशन। घमापुर वाला भाई साहब, आप मेरे पीछे जबलपुर स्टेशन देख सकते हैं। तकरीबन 315 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं पहुंच चुका हूं जबलपुर। मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये यहां का हाई कोर्ट है, यहां का मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। इसकी दो बेंचें हैं, एक इंदौर में तथा दूसरी ग्वालियर में। दोस्तों ये जो चौराहा आप मेरे सामने देख रहे हैं इसे घमापुर चौराहा कहा जाता है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो आप उमती जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ से राइट लेते हैं तो बाई का बगीचा होते हुए शीतला माई के एरिया में निकलते हैं, और हम यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट क्योंकि हमें जाना है रद्दी चौकी होते हुए आधारताल। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन मींस संजय के घर पे। टाइम काफ़ी हो चुका है, कुछ ऐसा है एरिया, पूरा अंधेरा है। तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और देख सकते हैं अब हाथ में धोते हैं, खाना वाना खाते हैं। कल सुबह की क्या प्लानिंग है आपको बताता हूं मैं थोड़ी देर में। ऐसा वैसा है कि ठंड बहुत है और खाना वाना हो चुका है, और इतनी ज़्यादा थकान लगी है ना कि मत पूछो। अब सोते हैं, और कल सुबह क्या प्लान है कल सुबह बताता हूँ आप सभी।